हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब। कल्पंस किचन में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे अनानास का सासों, यानी उसको इंग्लिश में उसको पाइनएप्पल भी बोलते हैं। तो पाइनएप्पल का सासों बनाने के लिए इधर लिया है आधा, मैंने पाइनएप्पल लिया है, अनानास लिया है, गुड़ लिया है, एक मीडियम साइज मैंने कोकोनट लिया है, रेड चिली लिया है, दो मैंने गुंटूर चिली लिया है क्योंकि वो तीखा और उसका कलर अच्छा आता है, बाकी का मैंने सादा लिया है, कोकोनट ऑयल लिया है मैंने, करी पत्ता लिया है, सरसों लिया है, हींग लिया है और नमक। पाइनएप्पल को थोड़ा नमक और थोड़ा गुड़ लगा के रखेंगे। उसको हम साइड में रखेंगे। तो हम पैन चढ़ाएंगे और रेड चिली हम थोड़ा फ्राई करके लेंगे। अगर आपको फ्राई करना नहीं है तो आप वैसे ही बना सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं थोड़ा उसको फ्राई कर रही हूँ। गैस मैंने धीमी की है, चिली हमारा फ्राई हो चुका है तो हम गैस अभी बंद करेंगे। हम जो चिली हमने फ्राई करके रखा था वो हम अभी मिक्सर में डाल के उसका ग्रेवी बनाएंगे। मैं कोकोनट भी डाल रही हूँ। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा बनानी है तो आप कोकोनट ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर आपको थोड़ा ग्रेवी थिक बनानी है तो आप कोकोनट कम डालो। अब उसमें पानी डाल के हम उसकी ग्रेवी बनाएंगे। कंसिस्टेंसी उसकी ऐसी होनी चाहिए, ज़्यादा बारीक भी आपको उसको पीसना नहीं है, थोड़ा मोटा सा उसको पीसना है। गैस पर बर्तन चढ़ाएंगे, उसमें कोकोनट ऑयल मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच। मैं ज़्यादा से ज़्यादा तड़का लगाने के लिए कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ, नहीं तो मैं देसी घी भी यूज कर सकती हूँ। तो हमारा तेल अभी गर्म हो गया है तो अब इसमें हम सरसों डालेंगे। थोड़ा उसको ढकेंगे, उसी में हम करी पत्ता डालेंगे। मैंने ढेर सारा करी पत्ता लिया है, करी पत्ता सेहत के लिए अच्छा है। करी पत्ते के बहुत से फायदे हैं, वो बालों के लिए अच्छा है, आंखों के लिए अच्छा है और बहुत उसके फायदे हैं। रोज़ हम 2-3 करी पत्ते के दबाकर हमें खाना चाहिए, हमें बहुत से फायदे मिलेंगे। इसी में मैं हींग डाल रही हूँ। अब इसमें हम जो अनानास मैंने नमक और गुड़ लगा के रखा था वो हम डालेंगे। गैस थोड़ा तेज करेंगे। इसमें हम कोकोनट की और इसकी ग्रेवी बना के रखी है वो डालेंगे थोड़ी। गैस हमारी तेज है, आप बीच में लो भी कर सकते हैं। इसको एक उबाल आने के लिए हम छोड़ेंगे। एक उबाल आ चुका है तो इस स्टेज में हम थोड़ा तीखा लाल
कश्मीरी तीखा लाल में डाल रही हूँ कलर आने के लिए। कश्मीरी लाल तिकट लाल डालने से कलर बहुत अच्छा आता है। इस स्टेज में हम इसमें गुड़ डालेंगे। आप गुड़ ज़्यादा या कम कर सकते हैं। उसको हम स्वीट करी भी बोल सकते हैं। इसकी ग्रेवी आप पतली और थिक भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा ढक के रखेंगे। पाइनएप्पल पीसेस अभी अच्छी तरह से पक चुके हैं, तो इसी स्टेज में हम बाकी की ग्रेवी उसमें ऐड करेंगे। बनाने के लिए भी बहुत आसान है, घर में उसको सब पसंद करते हैं। आप इसको रोटी, चपाती, ब्रेड या नान के साथ, चावल के साथ भी खा सकते हैं। ये थोड़ी मीठी ग्रेवी रहती है। इसको थोड़ा हम पकने देंगे। इसमें थोड़ा मैं नमक डाल रही हूँ। तो हमारा पाइनएप्पल सासाव तैयार है। आमचे अननसाचे सासाव रेडी आसा। आता आमी ते सर्व करिया। अब हम सर्व करेंगे। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।